हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एक सब्सक्राइबर है स्टोरी टीवी, कुछ नाम अलग ही रखा है, चलो चलते हैं। उन्होंने कमेंट में कहा है, सर जी मेरी डिस्कवर 150 सीसी की बाइक है, डिस्कवर 150 सीसी की बाइक है, तो उनका प्रॉब्लम क्या हो गया? वो दिन भर बाइक चलाते, घर पे आके रखते हैं और सुबह फिर से बाइक को निकालते हैं। उस समय बाइक तो स्टार्ट होती है लेकिन फर्स्ट गियर डालने के बाद बंद हो जाती है, ये उनका प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है क्या करें, तो अभी बात करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी टीवी ये जो सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा है वैसे सभी लोगों की है, सभी बोले तो बहुत से जनों से ठंडी के मौसम में यही प्रॉब्लम आ जाता है। अभी विंटर सीजन है, गाड़ी का सीजन है, ठंडी का मौसम है ना, तो ठंडी के मौसम में कोई कोई बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं होती, कोई कोई बाइक स्टार्ट होने के बाद में बंद हो जाती है, तो ये मतलब होता है। इसका मैं पहले थोड़ा एडवांस में बात करता हूँ, बाद में इसके बारे में सुझाव यानी क्या करना पड़ेगा ये भी मैं बात कहूँगा। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में 3-4 वीडियोस बनाया है, ठंडी के मौसम के बारे में मैंने वीडियो बनाया, बाइक में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। जैसे ठंडी में बाइक स्टार्ट क्यों नहीं होती है ये भी वीडियो है, या कैसे स्टार्ट करना है ठंडी में, ऐसे अलग अलग वीडियो वो आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जाके। तो दोस्तों अभी इनकी बाइक स्टार्ट होती है सुबह, लेकिन जब फर्स्ट गियर डालते हैं तो उस समय बंद हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या, ठंडी के मौसम में विंटर के सीजन में आरपीएम का प्रॉब्लम होता है। जैसे जब तक हमारी बाइक का इंजन वार्म अप नहीं होता है, इन्होंने कहा है थोड़ी देर के बाद चलने के बाद में बाइक आसानी से चलती है, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन शुरुआती तौर पर जब बाहर निकलते सुबह के समय उस समय स्टार्ट होती है, लेकिन पहला गियर डालने के बाद इनकी बाइक बंद हो जाती है। तो दो कारणों की वजह से पहला कारण हो सकता है, भले से कोई भी सीजन हो, पहला कारण हो सकता है उनकी बैटरी अगर पुरानी हुई रहेगी, ज़्यादा जूनी हुई रहेगी तो डाउन होती रहेगी, तो तभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये कम प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके इसका नहीं होता है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम आता है बैटरी के वजह से भी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है इनके बाइक का भी जो हो गया, स्टार्ट तो होती है लेकिन पहला गियर डालने के बाद बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी विंटर सीजन चालू है, तो विंटर सीजन में इंजन कैसे रात में कैसे ड्यू ड्रॉप्स के वजह से, ज़्यादा ठंडापन होने के वजह से इंजन ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा होता है। हमें भी तो ठंडी लगती है, वैसे बाइक को ठंडी लगती है भले से नॉन लिविंग थिंग से, लेकिन इंजन ठंडा होता है। जब तक इंजन अगर वार्म अप नहीं होता है तब तक अच्छा काम नहीं परफॉर्म्स कर सकता है इंजन, बाइक अच्छा परफॉर्म्स नहीं कर सकता है, तो उसको थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है ना, ये मतलब है। यानी वार्म अप करने के बाद ही फिर बाइक आसानी से परफॉर्मेंस देते हैं, फिर चलते हैं, तो ये प्रॉब्लम। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, विंटर सीजन में ये तो होते ही रहता है, बहुत से जन में होते ही रहता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आपको अगर ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डिस्कवर 150 सीसी की बाइक है उनकी, तो जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर है या पे कैसे दो स्क्रू होता है, दो स्क्रू, ये जो पहला स्क्रू है एयर फ्यूल मिक्सचर का स्क्रू होता है, ये रेस का स्क्रू होता है, जो पीतल जैसा होता है येलो जैसा स्क्रू एयर फ्यूल मिक्सचर का स्क्रू होता है ना, ये आरपीएम सेटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो बाजू में जो व्हाइट कलर का स्क्रू होता है, सिल्वर कलर वाला जो बाहर निकला जैसा है ना, वो रेस का स्क्रू होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 1 या 2 mm उसको बढ़ाना है, 1 mm बढ़ा दो, ज्यादा नहीं 1 mm, और देखो फिर से चला के देखो सुबह के समय जब ये सिचुएशन हो जाता है उस समय, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से सुनो, दो स्क्रू होता है कार्बोरेटर में, एक स्क्रू अंदर के तरफ होता है पीतल जैसे पीले जैसे होता है, उसको हाथ नहीं लगाने का क्योंकि आरपीएम सेटिंग केला होगा। जो दूसरा स्क्रू है राइट बाजू में होता है सिल्वर कलर का, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का जो स्क्रू होता है उसको क्या, ओरेस का स्क्रू होता है, उसको 1 mm थोड़ा मामूली बढ़ा दो, तो आपका ये विंटर सीजन का प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो। बाद में विंटर सीजन जाने के बाद समर सीजन में फिर से उसको रिवर्स कर दो, वापस 1 mm पीछे ला दो, तो आपका ये प्रॉब्लम चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका रेस बढ़ेगा,
रेस बढ़ेगा तो आपका माइलेज थोड़ा मामूली कम हो जाएगा, क्योंकि वार्म अप होने के बाद बाइक तो ठीक चलने वाली है तो, लेकिन आपका माइलेज कम हो जाएगा, है ना, ये मतलब है। तो मैं और एक राय देना चाहता हूँ, थोड़ा सा यानी अंदाजा 1-2 मिनट आपका बाइक को स्टार्ट करके छोड़ दिए, गियर में ना डाले, पहला गियर में ना डाले क्योंकि बंद होती है, थोड़ा वार्म अप होने दो, वार्म अप होने के बाद में अगर गियर में डालते तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज्यादा गर्म होने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप और MM होगा जो व्हाइट स्क्रू मैंने बताया सफेद, वो अगर रेस वाला स्क्रू वो बढ़ाते तो आपका माइलेज थोड़ा बंद हो सकता है, माइलेज यानी बंद बोले तो कम हो सकता है, तो इतनी सी बात है ना। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात होता है, विंटर सीजन में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम आती रहता है, रेनी सीजन में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, ये विंटर सीजन का प्रॉब्लम, इसमें टेंशन लेने की कुछ बात नहीं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।